टीवी के पॉपुलर शो बालिका वधू में आनंदी का रोल प्ले कर टीवी एक्ट्रेस तोरल राजपुत्रा ने सबका दिल जीता था। अपनी एक्टिंग के चलते वो हमेशा चर्चा में भी रही, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के अलावा तोरल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर चुकी हैं। ऐसा कहा जाता है कि साल 2012 में शादी रचा चुकी तोरल की विवाहित जिंदगी में पहले से ही सब कुछ ठीक नहीं था। साल 2015 में ही उनके पति धवल के साथ अनबन होने के बाद तोरल अपने माता पिता के घर रहने लगी थी। ऐसी खबरें थी कि तोरल और उनके पति धवल के बीच हर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा था। दोनों के बीच टकराव इस कदर बढ़ गया था कि दोनों ने अपना रिश्ता ही खत्म करने का फैसला लिया और शादी के 5 साल बाद ही दोनों के तलाक की खबरें भी सामने आ गई थी। शुरुआती दिनों में दोनों ने अपने इस रिश्ते को बचाने की कई कोशिशें की, लेकिन अपने रिश्ते को बचाने में वो कामयाब नहीं हो सके और आखिर में दोनों ने आपसी रजामंदी से अलग होने का फैसला ले लिया। तोरल और धवल के तलाक के बाद ऐसी खबरें भी आईं कि दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं। आपको बता दें कि तोरल को सीरियल बालिका वधू में आनंदी के किरदार से फेम मिला था। एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी के शो छोड़ने के बाद तोरल ने ही आनंदी का किरदार आगे निभाया था। तोरल के लिए ये शो काफी चैलेंजिंग था। पर्दे पर इस मशहूर किरदार को निभाना तोरल के लिए काफी बड़ा चैलेंज था, लेकिन तोरल को एक आदर्श बहू और बेटी के रूप में जल्द ही ऑडियंस ने अपना लिया। आपको बता दें कि बालिका वधू में आनंदी का किरदार निभाने के अलावा तोरल रिश्तों की डोर, धूम मचाओ धूम, केसरिया बालम आओ हमारे देश, एक नई छोटी सी जिंदगी, मधुबाला, एक इश्क एक जुनून, नमूने जैसे कई शोज में काम कर चुकी हैं और इन दिनों तोरल कलर्स टीवी के शो मोलकी में नजर आ रही हैं। इस शो में तोरल साक्षी विजेंद्र प्रताप सिंह का किरदार निभा रही हैं। मोलकी शो से तोरल लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से लाइमलाइट में आ चुकी हैं और अपने फैंस के दिलों पर राज कर रही हैं।